अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स रोटी के साथ खाने वाला चाकना, तरकारी का चाकना बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स इसे बना लेंगे। चाकने को सबसे पहले 4 स्पून तेल ले लीजिए कुकर के अंदर, उसमें थोड़े गरम मसाले और एक प्याज डालकर हमें अच्छे से इसे भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अब हम इसमें डालेंगे जो हम तरकारियां कट करके रख लिए हैं वो डालेंगे। सबसे पहले बटाने 1 कटोरी मैं अच्छे से भिगोकर 4 घंटे टाइम के लिए रख ली थी बटाने, और थोड़ी बीन्स और 2 आलू को कट करके मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स। अब हम इसे ये तरकारियों को अच्छे से ये मसाले में फ्राई कर लेंगे इस तरह, चम्मच से मिलाते मिलाते इस तरह थोड़ा नरम कर लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर 1 टमाटर कट करके डाल देंगे मोटे मोटे पीसों में, थोड़ा कस्तूरी मेथी और 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसे अच्छे से हम इस तरह भून लेना है, तरकारियों को इस तरह मसालों के अंदर डालकर इस तरह हमें अच्छे से भून लेना है। अब इसमें छोटे गिलास से 1 गिलास पानी डालकर हम इसे 4 विजिल के लिए बंद करके रख देंगे फ्रेंड्स। हमारा चाकना बनके तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है ना फ्रेंड्स ये चाकना बनाना। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा चाकना बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, खाने में भी उतना मज़ेदार है फ्रेंड्स ये चाकना। अब हम इसके साथ खाने के लिए एक रोटी तैयार कर लेंगे, वो भी अंडे वाली रोटी। रोटी को बना लेंगे इस तरह, जब जैसे हम मामूल रोटी बनाते हैं वैसे मामूल रोटी बनाकर इसके ऊपर हम थोड़ा अंडा डालकर इसे स्पेशल रोटी तैयार कर लेंगे। इस तरह अंडों को तोड़ के रख लिए 1 या 2 या 3, उसमें डालेंगे थोड़ा नमक और रेड चिल्ली फ्लेक्स डालकर इसे अच्छे से अंडों को मिक्स कर लेंगे। अब एक एक रोटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा अंडा डालकर हम रोटियों को तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स हमारे चाकने के साथ खाने के लिए। देखिए इस तरह पलट कर मज़ेदार रोटी हमारी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।